Welcome students to the Rock Hill channel. I am your science teacher Afsa Ambareen. How are you all? I hope that you all will be fine and I hope कि आपने अपनी previous दोनों videos देखी होंगी और उनसे बहुत कुछ सीखा होगा और याद भी किया होगा और अपने lesson को enjoy भी किया होगा. Okay, now come to the study. It's your science book, New Oxford Primary Science. New Oxford Primary Science. और इसका हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे. Do you know the name of your unit? What is the name of your first unit? जी, the name of the first unit is the human body. The human body. क्या नेम था हमारे फर्स्ट लेसन का? द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म. ठीक है, हमने सबसे पहला जो अपना लेसन स्टार्ट किया था उसमें हमने द ह्यूमन बॉडी, ये हमारा यूनिट नेम है. ठीक है, ये पढ़ा था और इसमें हमने क्या पढ़े थे? हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पढ़े थे. क्या पढ़े थे? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. हमने पार्ट्स नेम पढ़े थे ना. ठीक है, हमने अपने न्यू वर्ड्स भी लिखे थे कॉपी में और यकीनन आप लोगों ने याद किए होंगे. किए हैं सबने याद न्यू वर्ड्स? चलें जल्दी से हम अपने जो न्यू वर्ड्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ लुक. फर्स्ट वर्ड इज़ लुक, LOOK. लुक, लुक मीन देखना. लुक मीन देखना. सेकेंड वर्ड इज़ बॉडी. बॉडी मीन जिस्म. बॉडी मीन जिस्म. नेक्स्ट वर्ड इज पार्ट्स. पार्ट्स मीन हिस्से. हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे ना, यानी हमारी जो इंसानी जिस्म है उसके बॉडी पार्ट्स हैं डिफरेंट. ठीक है, हिस्से हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है. पार्ट्स मानी हिस्से. वर्क, WORK, वर्क, WORK, वर्क. वर्क मीन काम करना. ठीक है, हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट काम करते हैं ना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंट. नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंट. डिफरेंट मीन मुख्तलिफ. डिफरेंट मीन मुख्तलिफ. फिर है अलाइव. अलाइव मीन जिंदा. अलाइव मीन जिंदा. ग्रो, ग्रो मीन बढ़ना. हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है ना. ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, बड़े हो रहे होते हैं हम. ठीक है, हमारा हमारी जो वेट बढ़ा होता है, हमारी हाइट बढ़ रही होती है. ठीक है, तो हम डिफरेंट अपने काम कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज ब्रीथ. नेक्स्ट इज ब्रीथ. जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेते हैं. ठीक है, हम सांस लेते हैं ना. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. ठीक है, यानी बाहर हम अपनी बॉडी से निकालते हैं. ब्रीथ मीन सांस लेना. जी, तो इसके साथ हमने और क्या पढ़ा था? हमने रीडिंग की थी और रीडिंग में हमने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके उनकी जॉब्स भी पढ़ी थी कि वो जो है वो डिफरेंट जॉब्स करते हैं. हमारा जो माउथ है वो कैसे जो है वो क्या क्या काम करता है. हम अपने माउथ से क्या काम लेते हैं? हम अपने माउथ से जो है वो खाते भी हैं और बोलते भी हैं. ठीक है, हमारे जो हैंड्स हैं हम अपने हैंड से क्या क्या काम लेते हैं? वी यूज आवर हैंड्स टू होल्ड थिंग्स. हम अपने हैंड से क्या करते हैं? चीज़ें पकड़ते हैं ना. देखें, जैसे मैंने ये पेंसिल पकड़ी हुई है, ये मैंने जो है फ्लैश कार्ड पकड़ा हुआ है. ठीक है, अपने हैंड में होल्ड किया हुआ है. तो इसी तरह हम डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो अपने हैंड्स में होल्ड करते हैं. ठीक है, वी कैन वॉक विद आवर फुट. ठीक है, हम अपने पाँव पे चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं. ठीक है, मूव करते हैं अपने पाँव के ज़रिए. ठीक है, तो आज हम अपने जो नेक्स्ट काम है वो ये करेंगे कि हमने अपना जो रीडिंग की थी उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है हमारे बॉडी पार्ट्स पे. ठीक है, आपने आप लोगों को बॉडी पार्ट्स तो अच्छे से याद हो गए हैं ना. ठीक है, तो आज हम अपने जो डिफरेंट हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे उनके हम
नेम लिखेंगे ताकि आपको उनके स्पेलिंग्स भी याद हो जाए अच्छे से, और आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए, आपके माइंड में ये आपको याद हो जाए कि ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इनके ये नेम है। जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको फौरन से आते होंगे कि हाँ जी ये मेरी नोज़ है, ये मेरी आई है, ये मेरी ईयर है। ठीक है, तो इसी तरह आपको अच्छे से जो है वो बॉडी पार्ट्स आने चाहिए जी। तो हम आज अपना काम स्टार्ट करते हैं, रिटर्न वर्क, और उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। उसके लिए हमारी ये कॉपी है, इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे जी। हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं ना पहले, ठीक है। आपने भी कॉपी अपनी लेनी है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपकी कॉपी, पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, स्केल, ठीक है, जिनसे आपने अपना काम करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले कॉपी पे मार्जिन लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि आपने अपना यूनिट नंबर लिखना है। क्या लिखना है, यूनिट नंबर। और हमारा यूनिट नंबर क्या है, यूनिट, आवर यूनिट नंबर इज वन, यूनिट नंबर इज वन। कैपिटल यू के साथ, और आपने ज्वाइनिंग राइटिंग करनी है। और जब भी आप फर्स्ट लेटर या कोई भी लेटर अगर कैपिटल लिखते हैं तो आप ज्वाइनिंग राइटिंग में जो जब स्मॉल लेटर्स लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने ये लिखा कैपिटल यू, फिर आगे एन आई टी, यूनिट, आवर यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर वन। और पेजेस हमारे हैं, इसका जो हम पेज है वो है PAGES, हमने जो रीडिंग की थी पेजेस 2 to 5 जी। और हमारा जो लेस यूनिट नेम है वो क्या है, द ह्यूमन बॉडी, टी एच ई द एच यू एम ए एन, ह्यूमन, बी ओ डी वाई बॉडी, द ह्यूमन बॉडी। हमारा जो लेसन नेम है वो क्या है, द ह्यूमन बॉडी। आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ए एन एस डब्ल्यू ई आर, आंसर, टी एच ई एस ई दीज, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एस, क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, क्वेश्चन नंबर वन इज डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट, ए एन वाई एन ई टी ई एन, टेन, पी ए आर टी एस पार्ट्स, राइट, एनी 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी, राइट एनी 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। आपने क्या करने हैं, अब हमारे डिफरेंट हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे, बड़े थे ना, याद हैं आपको, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने उनमें से 10 के नेम लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ 10 के, जल्दी से हमें आ जाएंगे। मैं साथ साथ आपको दिखाती भी हूँ, आपने बताना भी है कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है जी। तो ये कौन सा बॉडी पार्ट है, दिस इज़ आवर हैंड, दिस इज़ आवर हैंड। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैंड, एच ए एन डी, हैंड, एच ए एन डी,
हैंड, एच ए एन डी हैंड. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैंड? एच ए एन डी हैंड. हैंड मीन हाथ. हैंड किसे कहते हैं? हाथ को. हैंड किसे कहते हैं? हाथ को. उसके बाद कौन सा बॉडी पार्ट है हमारा? उसके बाद है हेड. हेड, दिस इज आवर हेड. दिस इज आवर हेड. क्या है ये? हेड. क्या स्पेलिंग है हेड के? एच ई ए डी हेड. एच ई ए डी हेड. एच ई ए डी हेड. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हेड? एच ई ए डी हेड. हेड किसे कहते हैं? सर को. हेड किसे कहते हैं? सर को. जी, द थर्ड वन इज नोज. फिर क्या है? नोज, एन ओ एस ई नोज. ये क्या है? नोज, एन ओ एस ई नोज. एन ओ एस ई नोज. क्या स्पेलिंग है नोज के? एन ओ एस ई नोज. नोज. जी, आई, ई वाई ई आई. ई वाई ई आई. आई मीन आंख. आई मीन आंख. क्या स्पेलिंग है आई के? ई वाई ई आई. ई वाई ई आई. आई मीन आंख. ठीक है. उसके बाद है आई ईयर. ईयर, ये क्या है? ईयर. ईयर किसे कहते हैं? कान को. किसे कहते हैं? कान को. दिस इज ईयर. ई ए आर ईयर. ई ए आर ईयर. ई ए आर ईयर. व्हाट इज द स्पेलिंग? ईयर. ई ए आर ईयर. ई ए आर ईयर. नेक्स्ट वन इज चिन. व्हाट इज दिस? चिन. व्हाट इज दिस? चिन. चिन, सी एच आई एन चिन. सी एच आई एन चिन. सी एच आई एन चिन. चिन मीन थोड़ी. चिन मीन थोड़ी. ठीक है. चिन किसे कहते हैं? थोड़ी को. सी एच आई एन चिन. सी एच आई एन चिन. चिन मीन थोड़ी. जी, नेक्स्ट वन इज आर्म. नेक्स्ट वन इज आर्म. ये जो है हमारा, ये क्या होता है? आर्म. आर्म बाजू. क्या स्पेलिंग है? ए आर एम आर्म. ए आर एम आर्म. ए आर एम आर्म. नेक्स्ट इज लेग. ये क्या है? लेग. ये जो पूरी हमारी है, ये क्या है? टांग. ठीक है. लेग, एल ई जी लेग. एल ई जी लेग. लेग मीन टांग. लेग मीन टांग. लेग किसे कहते हैं? टांग को. एल ई जी लेग. एल ई जी लेग. जी, नंबर नाइन इज दिस इज फुट. ये क्या है? फुट, पाँव. ठीक है. क्या स्पेलिंग है फुट के? एफ डबल ओ टी फुट. एफ डबल ओ टी फुट. एफ डबल ओ टी फुट. फुट मीन पाँव. फुट मीन पाँव. एफ डबल ओ टी फुट. F double O T foot. Foot mean pound. Foot mean pound. And this is our face. ये जो area होता है हमारा, ये क्या होता है? Face. क्या होता है? Face. क्या spelling है face के? F A C E face. F A C E face. Face mean चेहरा. Face mean चेहरा. एफ ए सी ई फेस. एफ ए सी ई फेस.
हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन्हें. नंबर वन इज हैंड, एच ए एन डी हैंड, एच ए एन डी हैंड. नंबर टू एच ई ए डी हेड, एच ई ए डी हेड. हेड मीन सर, हेड मीन सर. नोज, एन ओ एस ई नोज, एन ओ एस ई नोज. नोज मीन नाक. ई वाई ई आई, ई वाई ई आई, ई वाई ई आई. आई मीन आंख, आई मीन आंख. ई ए आर ईयर, ई ए आर ईयर. ईयर मीन कान, ईयर मीन कान. चिन, सी एच आई एन चिन, सी एच आई एन चिन. चिन मीन थोड़ी, जो फेस का नीचे वाला पोर्शन जो होता है बिल्कुल एंड पे, उसको क्या कहते हैं? चिन. ए आर एम आर्म, ए आर एम आर्म. आर्म मीन बाजू, आर्म मीन बाजू. एल ई जी लेग, एल ई जी लेग. लेग मीन टांग, ठीक है. लेग किसे कहते हैं? टांग को. एफ डबल ओ टी फुट, एफ डबल ओ टी फुट. फुट मीन पाँव, फुट मीन पाँव. एफ ए सी ई फेस, एफ ए सी ई फेस. फेस मीन चेहरा, ठीक है. जो आपका पूरा जो माउथ का आँख और नोज़ ये सब एरिया जो मिला के ये क्या बनता है? फेस. फेस मीन चेहरा. हैंड, हेड, नोज, आई, ईयर, चिन, आर्म, लेग, फुट, फेस. आपको अब याद हो गए होंगे ना, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे से अपनी कॉपी में इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने आपको लिखवाया है. ज्वाइनिंग राइटिंग के साथ लिखना है. बहुत नीट नीट काम करना है. बार बार गलत नहीं करना कि आपको रेज करना पड़े और आपकी कॉपी ख़राब हो, ठीक है. आपने बहुत अच्छा सा काम करके फिर उसको याद भी करना है, ठीक है. इसके अच्छे से स्पेलिंग याद करने हैं, फिर उनको याद करके ज़ुबानी लिखना भी है, ताकि आपको पता चले कि आपको ज़ुबानी याद हो गए हैं कि नहीं. वैसे तो अब तक आपको याद हो गए होंगे, है ना जी. चलें, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपना बहुत अच्छा सा काम करते हैं. तो आप लोग अपनी डायरीज भी नोट करें कि आपकी डायरी क्या है. आपने क्या करना है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको करवाया है, ये आपने होमवर्क में इसको लिखना है, ठीक है. आपने और इसको याद भी करना है. राइट द क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर कॉपी एंड आपने इसको याद भी करना है, ठीक है. एंड लर्न इट, ओके. ये आपका होमवर्क है. राइट क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर कॉपी एंड लर्न इट. आपने इसको याद भी करना है, ठीक है, ओके. आप उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय.